अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुलरहमान। आज हम तीन खुशखबरियां डिस्कस करेंगे। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाला वो मुआहदा है जिसके तहत दोनों ममालिक अगले 5 सालों के दौरान अपनी बाहमी तिजारत जो है उससे $5 अरब तक बढ़ाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान ईरान को क्या कुछ बेच सकता है। ये तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान ईरान से तेल, गैस समेत बहुत सारे मसनूआत ना सिर्फ ख़रीद रहा है बल्कि मज़ीद ख़रीद सकता है, और गैस ख़रीदने में क्या प्रॉब्लम है इस अहम इशू को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने अगले 5 सालों की ट्रेड पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी काबीना की जानब से ले ली है, जिसके तहत अब पाकिस्तान जो है अपनी एक्सपोर्ट्स जिन मंडियों में बढ़ाना चाहता है, कैसे बढ़ाना चाहता है, उसका वर्क प्लान जो है वो तमाम का तमाम डिस्कस करेंगे। जबकि आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी है कि PAA ने यूरोपीय यूनियन का जो सेफ्टी ऑडिट है वो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया है, और इंशाल्लाह ताला जो इंटरनेशनल ऑडिट है वो भी क्लियर करने जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान से यूरोप के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो अनकरीब खुल जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले पाक ईरान बाहमी तिजारत से मुतालिक जो एक माहिदा है वो साइन हुआ है। फ़िलहाल पाकिस्तान ईरान की जो बाहमी तिजारत है वो $360 मिलियन है, जिसमें से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिर्फ $60 मिलियन हैं, जबकि पाकिस्तान की ईरान से इम्पोर्ट जो है वो $300 मिलियन हैं। तो अब इसको अगले 5 सालों के दौरान 14 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया गया है। इसको बढ़ाकर $5 अरब किया जाएगा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि दोनों मालिक जो हैं वो आपस में लिंक हैं चारों ज़राए आमदोरफ़्त के ज़रिए। यानी पाकिस्तान और ईरान ना सिर्फ समंदर के रास्ते तजारत कर सकते हैं बल्कि ट्रेन के ज़रिए भी, सड़क के ज़रिए भी और बाई एयर भी। इनके पास हर किस्म का दुनिया के ऊपर जो अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मौजूद है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब ईरान से पाकिस्तान ऑयल वगैरह, तेल और दीगर मसनूआत तो इम्पोर्ट करता है, लेकिन जब पाकिस्तान अपना आम, अपना किन्नो, अपना राइस वहाँ एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पर मौजूद जो इंडियन लॉबी है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान के अंदर। वो कोई ना कोई कानूनी कदगन लगा कर, कोई कानूनी सुकम का बहाना करके पाकिस्तान को सीज़न के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को डैमेज करते हैं। मसलन अगर आम की एक्सपोर्ट शुरू हुई है पाकिस्तान से मई के महीने में, तो पता लगेगा जून के अंदर ईरान ने बहाना लगाया है जी पाकिस्तान के अंदर फलां ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वो लगाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। तो अब पाकिस्तान की जैसी थकी हारी ब्यूरोक्रेसी है वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाते लगाते हमें 1.5 साल गुजर जाता है और हमारा वो सीज़न ज़ाया हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ईरान की मंडी नहीं है। ईरान एक्सपोर्ट करने से आप पूरे सेंट्रल एशिया और आगे रशिया तक, तुर्की तक चीज़ें बआसानी बाई रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हुकूमत को ईरान के साथ इस इशू पर भी बैठना होगा, उनके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी होगी, और फिर हमने जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, हम किन्नो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको ज़रूरत भी होती है, आम, चावल और गोश्त समेत दीगर कई अजनास ऐसे हैं जो पाकिस्तान बड़ी भारी मकदार में वहाँ एक्सपोर्ट कर सकता है, और वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक वगैरह जो है, गैस भी हम वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं और आलमी मार्केट से कम नरखों के ऊपर, और ये बार्टर ट्रेड होगी। इस बार्टर ट्रेड का मतलब ये है कि हम जो अशिया देंगे उनके बदले अशिया लेंगे, हम डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में होता है। और इस ट्रेड का फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर कोई UN की सेंक्शन या US की सेंक्शंस नहीं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान और जो ईरान की गैस पाइपलाइन है वो इसी वजह से रुकी हुई है कि उसके ऊपर US की सेंक्शंस हैं। अब देखा जाए तो ईरान और इराक जो आपस में हमसाया मुल्क हैं हमारी तरह, उनकी आपस की जो तजारत है वो गुज़िश्ता साल $18 अरब रही है। तो अगर वो मालिक जो दोनों बड़े पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी बाहमी तजारत को $18 अरब तक ले जा सकते हैं तो हम भी दोनों ले जा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ईरान भी उसी तरह खुले दिल का मुजाहरा करे इस तरह पाकिस्तान हमेशा करता है। इसी के साथ साथ दोनों मालिक अपने कस्टम के महकमे जो हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, जिसके ज़रिए यहाँ की तिजारत, यहाँ के जो ट्रक्स वहाँ जाएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, और फिर पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर 6 जगह पर बॉर्डर मार्केट्स बनाई जाएंगी, जिनमें से फेज़ 1 में 3 का तो बाकायदा MOU साइन हो गया है और 3 अगले साल साइन होगा। तो इन बॉर्डर मार्केट्स के ज़रिए जो पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन है बलूचिस्तान के ऊपर दूर दराज के इलाके हैं वहाँ की आबादी को रोज़गार मिलेगा। तो ये एक अच्छा फैसला है, इसके अंदर पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको ज़रूर वॉच किया जाना चाहिए।
इसी के चलते आज की दूसरी खुशखबरी जो ट्रेड पॉलिसी की जानब है वो 2020 से 2025 की मंजूरी ली गई है काबीना से। इसके बाद पाकिस्तान अब अफ्रीका को बाकी ममालिक के साथ फोकस करेगा। अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, 1 अरब 30 करोड़ अफराद की एक अमर्जिंग इकोनॉमी है एज अ होल। पहले पाकिस्तान का एज सच कोई अफ्रीका के अंदर फुटप्रिंट नहीं था क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं थी, तो हम अब अफ्रीका को फोकस करने जा रहे हैं। फिर जो मालिक हमारे साथ अच्छे रवाबित बढ़ाएंगे उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिसके जरिए उनकी अशिया हम और हमारी अशिया वो बगैर टैक्सेस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकेंगे। फिर रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान रशिया तक और टर्की तक बाई रोड जो है उस नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा इसके तहत। और फिर हुकूमत ने एक नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है जिसके अंदर ना सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को हेड करते हैं। इस बोर्ड के अंदर तमाम फैसले होंगे और किसी जगह भी कोई कानूनी पेचीदगी होगी तो हाईएस्ट लेवल पे उसको हल कर लिया जाएगा। तमाम अहम मिनिस्ट्रीज जो ट्रेड से रिलेटेड हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। तमाम बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मुख्तलिफ फील्ड हैं जैसे टेक्सटाइल होगी लेदर होगी वो इसकी मेंबर्स हैं। महीने में 3 दफ़ा इसकी मीटिंग्स हो रही हैं, 2 दफ़ा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड इसको हेड करती है जबकि 1 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी मीटिंग लेते हैं। इश्यूज़ को हाईएस्ट लेवल पे सॉर्ट करना शुरू कर दिया गया है। अगर इस चीज़ का तसलसल रहा तो जो अगला साल होगा फिस्कल ईयर सन 2022-23 उसके अंदर पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट्स हैं वह आसानी 45 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर जाएंगी। इसी के चलते आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है PAEA जिसने यूरोपीय यूनियन की जानब से जो साफा नाम का उनका सेफ्टी ऑडिट है, सेफ्टी असेसमेंट फॉर फॉरन ऑरिजन एयरक्राफ्ट, उसको पास कर लिया है। पहले उसके अंदर पाकिस्तान का जो रिस्क फैक्टर था वो 3 था, यानी पाकिस्तान की एयरलाइन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की सवर नहीं की जाती थी, उस रिस्क फैक्टर को कम करके 0 कर दिया गया जो कि हाईएस्ट पॉसिबल जो रैंक होता है जो बैनुल अक्वामी मेयार की दुनिया भर में जो एयरलाइंस हैं उनका है। इसकी वजह क्या है? एक तो जो मौजूदा PAEA इंतज़ामी है उसने अपना सेफ्टी का डिपार्टमेंट जो है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया है। दुनिया भर में अब एयरलाइन बिजनेस के अंदर सेफ्टी का डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, सेफ्टी को सबसे पहले रखा जाता है। क्यों? अगर ज़िंदगी होगी, ज़िंदगी की जो है कीमत होगी किसी इदारे के नज़दीक, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस भी करेंगे और फिर पैसेंजर भी वहाँ ट्रैवल करना पसंद करेंगे। जो बैनुल अक़वामी पैसेंजर है वो किसी एयरलाइन को लेने से पहले उसका सेफ्टी ऑडिट चेक करते हैं कि किस मयार की है। तो ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। इसी के साथ उम्मीद है कि पाकिस्तान रवा माह के अंदर ही जो UN का एक ऑडिट है एयरक्राफ्ट से मुतालिक या सेफ्टी से मुतालिक ICAO उसको भी पाकिस्तान क्लियर कर जाएगा और उम्मीद है जनवरी सन 2022 से पाकिस्तान का जो फ्लैग कैरियर है PAEA उसको यूरोप के लिए और बाकी तमाम ममालिक के लिए सफ़र की इजाज़त मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा PAEA जैसे इदारे के लिए जिसको पिछले 2 साल कोरोना की वजह से बहुत मार पड़ी, फिर इसके अपने ही वजीर गुलाम सरवर उनकी हमाकत का भी बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त किया, लॉस बर्दाश्त किया, जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कह दिया जी कि हमारे पास तो जो पायलट्स हैं उनकी अक्सरियत जाली डिग्रियों वाली है। और जब उनकी डिग्रियाँ वेरीफाई हुई तो जो जाली डिग्रियों वाले थे वो शायद 10-15% थे, लेकिन हमने दुनिया को ऐसे बताया कि हमारे सारे पायलट्स ही जाली डिग्रियों वाले हैं और फिर यूरोप ने हमारी जो परवाजें बंद कर दी। तो ये कुछ 7-8 अरब रुपए का नुकसान तो सिर्फ उस वजीर की एक हमाकत की वजह से हो, लेकिन इमरान खान ने उसको कुछ नहीं कहा और चले उसका महकमा ही बदल देते लोगों को दिखाने के लिए, वो भी नहीं बदला। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ वज़ीरे आज़म इस तरह कमज़ोर होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मसाइल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इन मसाइल से निकल रहा है और इंशाल्लाह ताला अगले 4-5 साल के दौरान पाकिस्तान आज से कई गुना बेहतर पाकिस्तान होगा। इन अल्फाज़ के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।